आज दिन के 10 बजे एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। बक्सर से 3-4 किलोमीटर इटाढ़ी रोड में अगर आगे आप बढ़ते हैं तो हुकहा गांव है। वहां पे एक किसान अपने खेत में खाद डालने गए, तब उनको एक करेंट लग गया, जिनका नाम मनोज कुशवाहा था, जिनकी उम्र लगभग 43 ईयर्स है। आप देख सकते हैं पीछे ये खेत है, और इस खेत में वहाँ से एक नंगा तार दौड़ाया गया है, जो यहाँ पे तेल कंपनी के लोग हैं वो कनेक्शन लेके गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब वो कनेक्शन लेके जाते हैं बार बार बिजली आती है, तो हम लोग आग्रह करते हैं कि काट दिया जाए, तो अक्सर वहाँ की जो बिजली है काटी हुई रहती है, लेकिन कई बार ये लोग मनमानी तरीके से बिजली जो है दौड़ा देते हैं। और आज जब मनोज जी अपने खेत में खाद डालने आए थे, तो दुर्भाग्यवश उनका जो है वो उस तार से स्पर्श हो जाते हैं, उसके बाद उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। पीछे लोग उसको लेकर के धरना दे रहे हैं लगातार। इनकी मांग है कि इसमें पूरी तरीके से देखा जाए, तो प्रशासन की लापरवाही है। इससे पहले भी कई बार ये लोग बिजली विभाग को कंप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं कि तार इस तरीके से नहीं दौड़ाया जा सकता है जिसमें लोगों को जान माल की क्षति हो सके, और ठीक वैसा ही हुआ। लगभग 3 घंटे से लोग धरने पे हैं। उनके बेटे हैं यहाँ पे पंकज जी, हम उनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या मसला हुआ यहाँ पे। कितने बार हम लोग तार काट कर यहाँ से गिरा दिए हैं, फिर भी ये पेट्रोल पंप वाला तार जबरदस्ती जोड़ कर लेकर गया है। पेट्रोल पंप हाँ, यहाँ पे है इंडियन ऑयल वाला, यहाँ पे पाइपलाइन उसका निजी तार गया। हाँ, निजी तार गया है। हम लोग कितने बार काट कर गिरा दिए हैं, फिर भी वो जबरदस्ती लेकर गया है। हाँ, आप लोग कंप्लेन भी किए थे? कंप्लेन भी किए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अभी आप लोग किस चीज़ का मांग कर रहे हैं? आप लोग धरना दे रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं हमारे नौकरी और पढ़ाई लिखाई का सब खर्चा, और 10 लाख रुपये का मुआवजा। आप देख सकते हैं ये उनके बेटे थे जो बता रहे हैं साफ साफ कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है, जिनकी वजह से जो है इस तरह की घटना घटी है। कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये ग्रामीण हैं जो यहाँ पे मौजूद थे, जो पूरी घटना से अवगत है, ये बताएंगे क्या हुआ था। आज करीब करीब 8 बजे करीब हम यहाँ से गए, तब तक मतलब कि खाद छिटने के नहीं आए थे। हमारे जाने के बाद ये खाद छिटने के लिए आए तो अब कैसे मतलब कि टेंट लगा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन आने के बाद मैं देखा कि तार गिरा हुआ है। तार गिरा हुआ तो मैं जाकर खेत में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाइन रहने के कारण मैं खेत में नहीं गया। लोग बोलने लगे कि लाइन गिरा हुआ है, कहाँ ले जा रहे हैं, करंट लग गया। ये चीज़ हम 1 महीना पहले एप्लीकेशन जेई को दिए हुए हैं। रिसीविंग है? हाँ, रिसीविंग है, सब कुछ है कि भाई यहाँ पर बिजली विभाग के पास आते थे, मिस्त्री के पास आते थे, बोल रहा है कि पैसा दीजिए तो लाइन काटेंगे। इंडियन ऑयल का बोलेगा तो इंडियन ऑयल बोल रहा है कि आप बाहर से आप लिख दीजिएगा तो हम लोग काटेंगे, नहीं तो लाइन नहीं कटेगा। तो मैं बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है, लाइन नहीं कटेगा, किस दिन ऐसा घटना घट जाएगी, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बिजली विभाग का कहना में हम कुछ नहीं जानते हैं, होगा और देखा जाएगा। ऐसी लापरवाही बिजली विभाग की है। लच्चर तार है एकदम, चार मतलब कि जमीन से 3-4 फुट से कुछ ऊंचाई पर है, और वो किसान एक बार बिजली की चपेट में आ गया। नहीं, लोग कहना है कि ये लोग कंप्लेन भी किए थे बिजली विभाग को पहले से, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। बिजली विभाग की घोर लापरवाही है, और साथ ही साथ बरौनी तेल लाइन वाला का भी लापरवाही है। आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? उचित मुआवजा मिले और उचित कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं साफ इसमें पूरी तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। ये लोग लगातार कंप्लेन किए, कंप्लेन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और जिसका खामियाजा एक मौत से हुआ। इस तरीके से कब तक ये जो तंत्र है हमारे लोगों की जान लेती रहेगी? लगातार इस तरह की लापरवाही आप देख सकते हैं जिले में, वो चाहे यातायात में हो, चाहे बिजली विभाग में हो, और कई तरीके की समस्याएं दिख रही है। लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं, और इनका कहना है कि हम लोग जब वहाँ पे जाते थे तो वो लोग साफ घूस मांगते थे, वो कहते थे कि नहीं पैसा दोगे तो हम हटाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज बदले में मौत हुई।